आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पुराना ट्रैक्टर लेते समय उसकी जांच कैसे की जाती है। आपको पॉइंट वाइज एक तरीका बताऊंगा जिससे आप बड़ी ही आसानी से ट्रैक्टर और उसके इंजन का जांच कर सकेंगे, जिससे आप यह निर्णय ले पाएंगे कि ट्रैक्टर लेने लायक है या नहीं। या फिर जब आप ट्रैक्टर को अच्छी तरह से जान लेंगे तो कमियों के गिनाकर कम से कम कीमत तो कम करा ही पाएंगे। छोटी सी वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा, तो आप इसे पूरा ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने 3 पॉइंट दिया है जिससे आप बड़ी ही आसानी से समझ पाएँ। पहले पॉइंट में आपको करना है बॉडी और टायर की जांच। यह करना बहुत ही आसान है। आपको ट्रैक्टर के ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें चेक करनी है, जैसे कि ट्रैक्टर का पेंट ओरिजिनल है या बाद में करवाया गया है, टायर कितने बचे हैं और ज़्यादा कटे तो नहीं हैं, अगले टायर देखें कि टेढ़े तो नहीं हैं। इसके लिए आप टायर को देख सकते हैं कि अगर वो एक तरफ से ज़्यादा घिसा हो तो उसका टायर अलाइनमेंट गड़बड़ है, या फिर कह सकते हैं कि टायर टेढ़े हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर में कितनी टूट फूट हुई है, टायर कंपनी के हैं या बदले गए हैं। एक बात का ध्यान रखें कि ट्रैक्टर में अगर पेंट करवाया गया है तो इससे कीमत बढ़ती नहीं है बल्कि कम होती है। जैसे कि आप 3-4 साल पुराना ट्रैक्टर ले रहे हैं और उसमें पेंट करवाया गया है, और कोई सामान ट्रैक्टर है जिसमें ओरिजिनल पेंट है, तो पेंट करवाया हुआ ट्रैक्टर की कीमत कम होगी, भले ही वो देखने में ज़्यादा अच्छा क्यों ना हो। अभी आपने इस पॉइंट में जितनी भी चीज़ें देखी वो कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं थी जिसे देखकर आप ट्रैक्टर लेने या ना लेने का निर्णय लें। इसमें बस आपको कंडीशन देखना है कि जैसा ट्रैक्टर आपको लेना है वैसा वो है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको ट्रैक्टर का कीमत निश्चित करने या जिस कीमत पर ट्रैक्टर मिल रहा है उसके हिसाब से ट्रैक्टर की कंडीशन ठीक है या नहीं है यह पता करने के काम आएगी। क्योंकि ये सारी चीज़ें ठीक से रिपेयर की जा सकती है, मतलब इसमें आपको यह पता चलेगा कि जिस तरह का ट्रैक्टर आप लेना चाहते हैं वो ट्रैक्टर वैसा है या नहीं है। दूसरे स्टेप में आता है इंजन की जांच। इंजन जांच का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपको ट्रैक्टर का इंजन ऑयल और रेडिएटर देखना है। इसमें देखना यह है कि इसमें दोनों चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि जो मैं तरीका बताऊँगा इनमें इसको आप चेक करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेडिएटर में आपको ये देख लेना है कि कूलेंट या पानी जो भी है वो फुल है या नहीं है, और इंजन ऑयल में आपको बस उसका चिपचिपापन और लेवल देखना होता है। जब ये दोनों चीज़ें ठीक हो तो आपको टेस्ट को शुरू करना है। टेस्ट में सबसे पहले आपको ट्रैक्टर को थोड़ा लोड पर आधे घंटे चलाकर गर्म करना है। इसके लिए आप कल्टीवेटर, रोटावेटर या फिर प्लाउ वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ट्रैक्टर को जब आप चला रहे होंगे तब आपको उसमें से कुछ चीज़ें देखनी है, जैसे कि ट्रैक्टर से लगातार धुआं तो नहीं निकल रहा है, ट्रैक्टर स्टार्ट करते समय या फिर रेस देने पर धुआं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। जितने कम सिलेंडर वाले इंजन का ट्रैक्टर होता है उसमें रेस देने पर धुआं ज़्यादा आता है, जैसे कि 4 सिलेंडर ट्रैक्टर में तेज़ी से रेस बढ़ाने पर बहुत कम या फिर ना के बराबर धुआं आता है, वैसे ही 3 सिलेंडर में उससे ज़्यादा आएगा और 2 सिलेंडर में 3 सिलेंडर वाले से भी ज़्यादा। यह धुआं जब आप तेज़ी से रेस देते हैं तभी आता है। दूसरी बात, ट्रैक्टर कम लोड पर तो नहीं दबता। अगर ट्रैक्टर ज़्यादा ही दबता है तो आप एक बार मैकेनिक ले जाकर उसकी सलाह ले सकते हैं, अगर ट्रैक्टर आपको ज़्यादा पसंद आया हो तो, नहीं तो मेरे हिसाब से आपको दूसरा ट्रैक्टर की तलाश करनी चाहिए। इसके बाद जब ट्रैक्टर अच्छा खासा गर्म हो जाए तो आपको ट्रैक्टर खड़ा करना है और 2 चीज़ें देखना है। पहली चीज़, ट्रैक्टर में कहीं आयल तो लीक नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार होता है कि ट्रैक्टर को अच्छे से धोकर खड़ा कर दिया जाता है और आपको लगेगा कि ट्रैक्टर एकदम साफ़ सुथरा है, कहीं कोई लीकेज नहीं है। एक बात और, इसमें आपको ट्रैक्टर में लीकेज देखना कहाँ है, तो आपको ट्रैक्टर के जोड़ों, पंप और डीजल फिल्टर, मोबिल फिल्टर, हाइड्रोलिक आदि जगहों पर देखना है। अगर किसी पाइप से कोई लीकेज है तो उसे आप आसानी से बदल सकते हैं, यह कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, जिसके लिए हमने ट्रैक्टर को गर्म करवाया था, इसे आपको जल्दी ही चेक कर लेना है जब ट्रैक्टर पूरी तरह से गर्म रहे। इसमें आपको करना यह है कि मोबिल टैंक का गेज निकालना है और देखना है कि उसमें से धुआं तो नहीं आ रहा है। अगर यहाँ से धुआँ आ रहा है तो आप ये समझ लें कि आपको दूसरा ट्रैक्टर ही ढूंढना पड़ेगा। आप ऐसे ट्रैक्टर बिल्कुल भी लेने की ना सोचें जिसमें इस जगह से धुआँ आता हो। इस जगह में धुआँ आने का कोई रास्ता नहीं होता है। यह तभी होता है जब इंजन में खराबी हो या इंजन खुला हो और ठीक से बैठा नहीं गया हो। इसके बाद आता है तीसरा स्टेप, इसमें आपको हाइड्रोलिक की जांच करनी है। इसमें आपको सिंपल देखना है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं। ये सारी चीज़ें थी जो आपको ट्रैक्टर में विशेष तरह से देखना चाहिए। इसके अलावा आप इसे रोड पर भी चलाकर दोनों ब्रेक, स्टीयरिंग वगैरह ज़रूर चेक कर लें। इस वीडियो में मैंने कई सारी चीज़ें बताई जिससे आप एक अच्छा ट्रैक्टर ले पाएंगे। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी खराबी पर आपको ट्रैक्टर तो बिल्कुल भी नहीं लेना था, और जबकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जिससे ट्रैक्टर के परफॉर्मेंस पर कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें आप गिनाकर ट्रैक्टर का कीमत कम करवा सकते हैं।
आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमको ये बता सकते हैं, साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप और भी फार्मिंग और मशीनरी से रिलेटेड वीडियो देख पाएँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।